लाहौर में फिरोजपुर रोड पर खुदकुश हमला, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अहम इजलास तलब कर लिया। सिक्योरिटी और सानिहा फिरोजपुर रोड पर गौर किया जाएगा। इजलास में कोर कमांडर लाहौर और डीजी रेंजर्स पंजाब भी शरीक होंगे। खुदकुश दहशत गर्द के हमले के बाद लाहौर की फजा सोगवार। 23 नाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। शहीद पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। जनरल अस्पताल के 39 जख्मियों में से 4 और जिला अस्पताल के 13 जख्मियों में से 1 की हालत तश्वीशनाक। फिरोजपुर रोड का एक हिस्सा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। खुदकुश दहशत गर्द के हमले में 26 अफराद की शहादत पर मुकदमा दर्ज। खुदकुश दहशत गर्द और उसके सहूलतकार नामजद, शहदा में 9 पुलिस अहलकार भी शामिल। सेक्रेटरी जनरल अक़वामे मुत्तहिदा कहते हैं धमाके के जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए। लाहौर में धमाका करने वाले खुदकुश दहशत गर्द के 4 सहूलतकार गिरफ्तार। दहशत गर्द ने चंद रोज कबल 3 रिहाइश गाहें बदली। दहशत गर्द बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी मुकीम रहा। हमले को अफगानिस्तान में भारतीय कौंसल खाने से मॉनिटर किया जा रहा था। रोजनामा 92 न्यूज की रिपोर्ट में इंकशाफ। ऑयल टैंकर मालिकान और दीगर एसोसिएशन की हड़ताल दूसरे रोज में दाखिल। हड़ताल के बाद पेट्रोल पंप पर तेल की तरसील जुज़्वी तौर पर मुतासिर। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमा कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए। वजारत पेट्रोलियम के तहत आज 2:30 बजे अहम इजलास होगा। कराची में ट्रैफिक अहलकारों को निशाना बनाने वाले 4 दहशतगर्द सच्चल के इलाके में मारे गए। एसएसपी राव अनवार का कहना है हलाक मुलजिमान में कलदम तंजीम का दहशतगर्द मुल्ला अकबर सवाती भी शामिल। ईदगाह थाने की हुदूद में 2 डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक, असलहा बरामद। अबू अल हसन अस्फहानी रोड पर फायरिंग से 1 अहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी, मुकदमा दर्ज। इमरान खान की मनी ट्रेल मुकम्मल। तहरीक इंसाफ ने बैंकिंग दस्तावेजात हासिल करनी, फ्लैट खरीदारी के लिए अदायगी, काउंटी की अदायगियों का रिकॉर्ड मिल गया। कैरी पैकर और इश्तेहारी आमदन का लेन देन भी अदालत में जमा कराया जाएगा। मेरे खिलाफ इल्जाम की बौछार करने वाले शरीफों और उनकी हवारियों का शुक्रिया। उनकी वजह से मुझे 40 साल मालिया के रिकॉर्ड खंगालने का मौका मिला। इमरान खान का ट्वीट। जियो जंग के खिलाफ तौहीन अदालत केस की सुनवाई 22 अगस्त तक मुलतवी। जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुनवाई की। अदालत ने इजाफी दस्तावेजात फराहम करने के लिए मोहलत फराहम कर दी। जानबूझकर अदालत की तस्दीक की जाती रही। जस्टिस एजाज अफजल खान, जीआईटी रिपोर्ट से मुतालिक आपकी खबर न सिर्फ बाउंस हुई बल्कि आपने माफी भी मांगी। जस्टिस अजमत सईद, जंग ग्रुप से इश्तेहारात का डेटा भी तलब। शरीफ खानदान की करप्शन की तहकीकात करने वाले ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां। वजीर आजम हाउस की अहम शख्सियत के हुक्म पर जीआईटी सरबरा वाजिद जया और उनके अहले खाना की आमदन और असासों का जायजा लिया जा रहा है। साबिक डेप्यूटी डायरेक्टर एफआईए नामुल रहमान सहरी के खिलाफ भी कार्रवाई पर गौर। रोजनामा 92 न्यूज में इंकशाफ पर मबनी रिपोर्ट शामिल। बड़े केस में बड़ी अदालत के फैसले का कौम को शिद्दत से इंतजार। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत के दौरान कई चौंका देने वाले इंकशाफात हुए। तारीखी फैसला मुल्क के मुस्तकबिल का तायुन करने में भी मददगार होगा। कौम को उम्मीद। तमाम तर दबाव के बावजूद जेआईटी और बेंच ने काम बतरीके अहसन मुकम्मल किया। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के नतायज का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी, बहावलपुर, साहिवाल, फैसलाबाद और सरगोधा में लड़कियों ने मैदान मार लिया। कसूर में कम उम्र बच्चों से ज्यादती। सिविल सोसाइटी की जानिब से चीफ जस्टिस को असखुर नोटिस की दरख्वास्त। कसूर में बच्चों के साथ ज्यादती और कत्ल के वाकयात में इजाफा। पुलिस वाकयात पर काबू पाने में नाकाम, हुकूमत खामोश तमाशाई। चीफ जस्टिस असखुद नोटिस और तहकीकात का मुतालबा। दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी की हिमायत करने का इल्जाम। सऊदी अरब और इत्तेहादियों ने 18 फलाही इदारों और शख्सियात को ब्लैक लिस्ट करार दे दिया।
पाबंदी का शिकार इदारों और अफराद के कतरी हुकूमत के साथ करीबी रवाबित ताल्लुक यमन कतर और लीबिया से है। मकबूजा बैतुल मक़द्दस में फलस्तीनियों का एहतजाज रंग ले आया। इसराइल का मस्जिद अक्सा के दाखिली रास्ते पर दरवाजे पर मेटल डिटेक्टर हटाने का फैसला। जुमे तक कशीदगी खत्म ना की गई तो खतरा शहर भर में फैल जाएगा। अक़वामे मुत्तहिदा का इंतबाह। इटली के दारुल हुकूमत रोम में पानी की कमी की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात। आम लोगों से इजहार यकजहती के लिए वेटिकन में लगे पानी के तमाम फवारे बंद कर दिए गए। सच कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं। साइकिलिंग के दीवाने की शानदार परफॉर्मेंस, सिंगल पोल पर एक पहिए से महारत का ऐसा मुजाहिरा किया कि देखने वालों को चौंका दिया। और चीन में वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के तहत सिर्फ रूट के साथ पांडा की शक्ल के 100 सोलर फार्म बनाए जाएंगे। चीनी कंपनी का कहना है कि शमसी तवराई से चलने वाले एक सोलर फार्म से 25 साल के दौरान 3 अरब किलोवाट तवराई हासिल होगी।